राजधानी दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर 35 साल के युवक की हत्या और फिर शव के साथ बर्बरता किए जाने का मामला गर्माता जा रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शशांक शेखर झा ने अर्जी दाखिल करते हुए सिंगू बॉर्डर को खाली कराने की मांग की है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जल्द सुनवाई की अपील भी की है। आपको बता दें कि आंदोलन पर बैठे किसानों के मंच के पास एक युवक का शव मिला था। युवक की बड़ी ही बेरहमी से हत्या करने के बाद शव का एक हाथ काट कर बैरिकेड से लटका दिया गया था। इतना ही नहीं, युवक के शव को 100 मीटर तक घसीटा भी गया था। उसके शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान भी पाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका में किसान आंदोलन को गैर कानूनी करार देकर दिल्ली के बॉर्डर से हटाने की मांग की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि अब एक दलित युवक की हत्या कर दी गई है। इससे पहले एक महिला से भी दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। इसके पहले 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा भी भड़की थी। अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में आंदोलन गैर कानूनी तरीके से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से लंबित याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग भी की गई है। मालूम हो कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल से ही पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे हैं। इन्हीं में से एक बॉर्डर सिंघू बॉर्डर भी है, जहां पर शुक्रवार सुबह एक किसान का शव बैरिकेड से लटकता मिला था। हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए इस मामले में निहंग आरोपी सरबजीत सिंह ने हरियाणा पुलिस के सामने शुक्रवार शाम को आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद आज कोर्ट में सुनवाई के बाद आरोपी को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।